राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन करने पर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारते के बाद पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, जिसे लेकर आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया गया और इसका व्यापक असर देखने को मिला। वहीं दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के कैलाश नगर में रहने वाले एक युवक को अज्ञात लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। युवक को यह धमकी नुपुर शर्मा के सपोर्ट में पोस्ट करने के बाद मिली है। गौरतलब है कि युवक ने कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसके बाद लगातार अज्ञात लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी मिल रही थी। युवक के द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार कुम्हारी के कैलाश नगर वार्ड 11 निवासी ने 12 जून को अपने इंस्टाग्राम की आईडी से नुपुर शर्मा के पक्ष में एक मैसेज पोस्ट किया था, जिसके बाद उसे दो नंबरों से रिप्लाई आया और दोनों मैसेज में उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इसी तरह के मामले में राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या से भयभीत युवक ने इसकी सूचना कुम्हारी थाना में दी। शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि प्रार्थी ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया गया था। इसी बात को लेकर दो लोगों ने प्रार्थी को फोन से मैसेज करके धमकी दी कि तुम नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हो, तुम्हें जान से मार देंगे। इसके बाद प्रार्थी ने कुम्हारी थाने में आकर इसकी FIR करवाई, जिस पर पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कुम्हारी थाना में एक हिंदू युवक ने इंस्टाग्राम पे नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए एक पोस्ट डाला था। उसके ऊपर रायपुर के दो मुसलमान लड़कों ने उसमें कमेंट किया और उसको जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी के बाद जैसे ही थाने में फिर उसके द्वारा रिपोर्ट की गई तो IPC धारा 507 में तुरंत FIR किया गया। इंस्टाग्राम से जानकारी जुटाई गई, उसका ID आइडेंटिटी क्लियर किया गया और दंते और दुर्ग से जो पुलिस टीम है वो रायपुर रवाना कर दी गई है दोनों को गिरफ्तार करने के लिए। जो युवक था जिसको धमकी मिली थी उसको एक्स टाइप की दो पुलिस जवानों की आर्म्ड गार्ड की सुरक्षा प्रदाय की गई है। जब तक उनको खतरा लगातार आकलन किया जाएगा, खतरे के आकलन के ऊपर सुरक्षा बढ़ाई या घटाई जा सकती है। यहाँ हम आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर एक टेलर की सरेआम हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने वारदात का वीडियो भी बनाया था। इसके बाद से देश भर में बवाल मचा हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई दीन चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।